नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर जो है वो वाइकॉट जियो ट्रेंड कर रहा है, और आज जो है सुबह से ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वाइकॉट जियो और BSNL की घर वापसी जैसे हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही जियो ने अनाउंसमेंट किया था कि वो अपने जो मोबाइल रिचार्ज है उनको 12 से लेकर 25% तक बढ़ाने जा रहा है। जियो ने इसको बढ़ाने की घोषणा की, उसके 2-3 दिन बाद ही बाकी दो कंपनियां वोडाफोन एंड आइडिया BI जिसको आप बोलते हैं और एयरटेल ने भी ये घोषणा कर दी कि हम भी बढ़ा रहे हैं। तो पूरे सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी है इन कीमतों को बढ़ाने को लेकर। आखिर तीन कंपनियां जो देश की में है, इस समय तीन ही बड़ी कंपनियां हैं। मैं BSNL की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि BSNL अभी उस हालात में नहीं है जिस हालात में उसे होना चाहिए, लेकिन तीन कंपनियों ने अपने रिचार्ज बढ़ाए लेकिन टारगेट जो है वो जियो को किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, कुछ दिनों पहले जब जियो आई 2016 के आसपास जब जियो लॉन्च हुई तो जियो ने पूरे भारत के नागरिकों को यह सपना दिखाया कि वो डिजिटल क्रांति के लिए लोग आए। उन्होंने 3 महीने तक फ्री सिम बांटी, पहले सब लोगों को जियो की सिम सारे यूजर्स तक पहुंचाई ये कहकर कि देखो भाई भारतीय कंपनी है और हम डिजिटल क्रांति के लिए आए हैं, देश में क्रांति करने आए हैं। धीरे धीरे इन्होंने उस क्रांति को बिजनेस में बदलना शुरू कर दिया और अपने अपने रिचार्जों को धीरे धीरे, पहले आपको पता होगा प्रीमियम आया, 99 रुपीज का रिचार्ज कराइए, फिर उसके बाद इन्होंने प्रॉपर एक प्लान लेकर आ गए वैसे बाकी कंपनियों का था, और फिर इन्होंने धीरे धीरे उस प्लान के प्राइस को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी घाटे में है इसलिए इन्होंने प्राइस बढ़ाया, ऐसा इसलिए है कि अब इनको पता लग गया है कि भारत के सारे लोग इंटरनेट के आदि हो चुके हैं और ज्यादातर लोगों की निर्भरता जो है वो देश में गिनी चुनी 2-3 कंपनियां हैं उन्हीं पर है, क्योंकि बाकी सारी कंपनियां जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज की वजह से खत्म हो गई। 3 महीने तक जियो ने फ्री बांटा, उसकी वजह से कई कंपनियां जो है वो बंद हो गई, घाटे में चले गई, इंक्लूडिंग एयरटेल भी उस समय घाटे में थी और उसने भी ये प्लान किया था कि वो देश छोड़कर जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो अभी तक टिकी हुई। तो जियो को विश्वास हो गया कि पूरी तरीके से उसका बाजार में एकाधिकार हो गया है, तो अब वो धीरे धीरे अपनी कीमतों को जो है मनचाहे तरीके से बढ़ाता चला जा रहा है। यही कारण है कि जियो को लोग अब धीरे धीरे टारगेट कर रहे हैं मीडिया पर, और अपनी जो गवर्नमेंट कंपनी थी BSNL उसको जो है वो प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जियो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या जियो की पॉलिसीज हैं और क्या BSNL वाकई में टक्कर दे पाएगा जियो को। तो देखिए, सबसे पहले अगर जियो की अगर आप बात करोगे तो धीरूभाई अंबानी, जो अनिल अंबानी और ये जो मुकेश अंबानी है आपके जियो के मालिक, तो उनके पिता थे, 2002 में उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद संपत्ति जो है वो दोनों भाइयों के अंदर बंटने का फैसला हुआ। तो टेलीकॉम सेक्टर जो है वो आपका अनिल अंबानी के पास गया, बाकी जो तेल से रिलेटेड कारोबार था वो मुकेश अंबानी के पास गया, लेकिन दोनों भाइयों में इस बात पर सहमति बनी कि 10 साल तक दोनों एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे के बिजनेस में हाथ नहीं आजमाएंगे। ठीक है, रिलायंस चला गया अनिल अंबानी के पास और धीरे धीरे आपका ये तेल और कारोबार जो बाकी है वो मुकेश अंबानी के पास आ गया। 10 साल तक का एग्रीमेंट था इसलिए 10 साल तक तो मुकेश अंबानी को इंतजार करना ही था टेलीकॉम सेक्टर में आने के लिए, क्योंकि दोनों भाइयों में इस बात को सहमति बनी थी। तो उस समय रिलायंस जो है वो अनिल अंबानी के पास था, और धीरूभाई अंबानी के टाइम पर जब रिलायंस था, जब बना, तो एक नारा दिया गया, एक लोगों स्लोगन दिया गया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, जैसे BSNL का नारा था हिंदुस्तान बोल रहा है, वैसे ही रिलायंस का नारा था कर लो दुनिया मुट्ठी। तो धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी तो दुनिया को मुट्ठी में नहीं कर पाए, लेकिन मुकेश अंबानी धीरे धीरे प्रयास करते रहे कि दुनिया को मुट्ठी में किया जाए, उनका कारोबार खूब बड़ा और उन्हीं में से एक कारोबार था जियो। सबसे पहले जियो को स्थापित करने के लिए इन्होंने 2007 में एक इंफोकॉम करके कंपनी थी अहमदाबाद में जो एस्टेब्लिश हुई, उस कंपनी में जो जियो नहीं था, एक कंपनी थी जो कि किसी और ने एस्टेब्लिश की थी, किसी और ने उसकी स्थापना की थी। तो 2013 के आसपास उन्होंने 12 में एग्रीमेंट खत्म हो गया, तो उस कंपनी के 96% शेयर जो है खरीद लिए। 96% शेयर का मतलब है कि कंपनी का ऑलमोस्ट स्वामित्व जो है वो आपको मिल गया, क्योंकि 12 साल एग्रीमेंट के हो चुके थे। और फिर उसी कंपनी को जो है जियो का नाम देके
जियो का नाम देके जो है उसी कंपनी को इन्होंने लॉन्च कर दिया 2016 के अंदर। 2016 में कंपनी जो है लॉन्च हुई तो लोगों को फ्री का लालच दिया गया, लोगों को डिजिटल क्रांति के सपने दिखाए गए, और कुछ कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय लोगों का राष्ट्रवाद भी यहाँ जुड़ा हुआ था कि जियो भारत की एक कंपनी थी, बाकी मैक्सिमम कंपनीज प्राइवेट पार्टनर क्योंकि दूसरे देशों के थे, तो लोगों का झुकाव यह था कि हमारी कंपनी है भाई, भारत की कंपनी है, बीएसएनएल के बाद एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई, तो लोगों का झुकाव था। तेजी से जो है आपका जियो के सिम बिचने लगे और धीरे धीरे जियो का कारोबार बढ़ता गया। देखिए जब जियो आया तो भारत के अंदर कितनी कंपनियां थी, बीएसएनएल थी, टेलीनॉर थी, बीपीएल थी, एमटीएनएल थी, वीडियोकॉन थी, वोडाफोन थी, एयरटेल थी, एयरटेल अभी भी है, बहुत कंपनियां थी, लगभग 10-12 कंपनियां जो है आपकी थी, और जियो की पॉलिसीज की वजह से ये पूरे मार्केट जो है एकदम कोलैप्स कर गया और लगभग छोटी छोटी सब कंपनियां जो है वो डूब गई और वो भारत छोड़ के अपना चली गई। एयरसेल वगैरह अभी भी पाकिस्तान जैसे देशों में काम करती हैं लेकिन इंडिया उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या ये जियो कर रहा था, जो फ्री बांट रहा था, इस पर कोई नियंत्रण का देश में हमारे कानून नहीं था, देश ऐसा नहीं कर सकता था कि इसको रोकने के लिए। देखिए सबसे पहले हमारे देश के अंदर 1969 के आसपास जो है एक्ट था, एकाधिकार अधिनियम, तो इस एक्ट के द्वारा यह कंट्रोल किया जाता था कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति बाजार को असंतुलित करने के प्रयास न करे। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है तो ऐसा नहीं हो कीमतों को कितना डाउन कर दे कि जिससे बाजार की स्थिति बिगड़ जाए। जियो ने एक तरीके से वही किया, उसके खिलाफ लोग जो है वो एक कमीशन जो जिसको 2002 के एक्ट के थ्रू बना, वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। इसके नाम से ही पता चलता है कि बाजार में कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए है, ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसके लिए इस आयोग को बनाया गया। और इस आयोग के अंदर, ये आयोग एक वैधानिक निकाय है और इसके पास अपने ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के फैसले अक्सर हाईकोर्ट के फैसलों के बराबर माने जाते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया है। लेकिन इसमें भी जो कंपनियां गई उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई बहुत सुनवाई नहीं हुई, और जियो की जो है वो मार्केट धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जियो ने धीरे धीरे लोगों को आदि बनाया पहले इंटरनेट का, और फिर जब उसको लगा कि हाँ अब लोग धीरे धीरे हमारी चीजों से जुड़ गए, अब इनके पास विकल्प नहीं रहे, तो फिर लोगों की मजबूरियों का फायदा इसने धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया, और वही कारण है कि अब जो है एक तरीके से मोनोपोली हो गई। समझ लीजिए कि वोडाफोन आइडिया अभी भी है, अगर एयरटेल छोड़ के चला जाता हमारे देश को तो ये मोनोपोली उच्च स्तर की होती, जिसको आपको डिजिटल गुंडागर्दी आप कह दीजिए, तो मन करेगा हम उतना प्राइस बढ़ाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होगा अगर कोई भी कंपनी देश छोड़ के जाएगी तो ऐसा होगा अगर हम अभी नहीं समझे। बीएसएनएल की लोग बात कर रहे हैं कि बीएसएनएल क्या जियो को टक्कर दे पाएगा। देखिए बीएसएनएल की स्थिति की अगर आप बात करें तो बीएसएनएल की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा, 2023-24 में बीएसएनएल को लगभग 5,367 करोड़ रुपए का घाटा है, हालांकि इससे पिछले साल जो है वो 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसएनएल ने अपने घाटे को कंट्रोल किया है। और वहीं आप जियो को देखिएगा तो जियो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट में, कंपनी हर साल प्रॉफिट करती है, इतना 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार है, क्योंकि जियो अब वो जियो नहीं रहा कि मोबाइल सिम बेचेगा, सब कुछ जियो का है भाई। अब सिम लोगे तो सिम से फ्री डेटा आपको दिया गया, तो आपको पहले आदि बनाया गया वेब सीरीज देखने का, आपको फ्री मूवीज दी गई ताकि आप पूरी तरीके से ढल जाए, घुस जाए, और आपको 10 मिनट भी बिना इंटरनेट के काटना मुश्किल हो जाए, इस तरीके की आदत बनाई गई। तभी मोनोपोली सक्सेस होती है, तभी किसी कंपनी का एकाधिकार सक्सेस होता है जब पूरी तरीके से लोगों को गुलाम बना लिया जाए। जैसे ड्रग्स आपने देखी होगी, अगर किसी बंदे को दे दी जाए ड्रग्स तो धीरे धीरे वो इतना आदि हो जाता है कि उसके बिना रह ही नहीं पाता है। वही आदत जियो ने पहले लोगों को लगाई इंटरनेट की, अब धीरे धीरे जब लग गया कि हो गया तो अब लोगों से सौदेबाजी कर रही है, उनके राष्ट्रवाद की भी परीक्षा ले रही है और उनकी मजबूरियों से भी खिलवाड़ कर रही है कि वो। और देखिए जियो का जो नेटवर्क है बहुत ताकतवर, जियो के एम्प्लॉइज को आपने देखा होगा, कोई भी चीज आप लीजिए घर आ जाएगी। क्या बीएसएनएल में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। बीएसएनएल में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो बहुत ठंडे बस्ते में रहते हैं, ये आरोप लगते रहे कि बीएसएनएल का ठंडा मैनेजमेंट बीएसएनएल को लेट हुआ। तो अभी यूजर्स तेजी से बीएसएनएल के बढ़ रहे हैं, लोग अपनी सिम पोर्ट करा रहे हैं जियो से नाराजगी के लिए, तो धीरे धीरे करके बीएसएनएल का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन अभी भी बीएसएनएल को बहुत बड़े स्तर पर पैसे की जरूरत है, पैसे के अलावा उसके मैनेजमेंट में बहुत जरूरत है। अगर कोई प्राइवेट पार्टनर टाटा जैसी कोई कंपनी शायद बीएसएनएल को मिल जाए तो बीएसएनएल को उठा पाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं बदलेगा जब तक इनका आलसी रवैया बीएसएनएल के एम्प्लॉइज का नहीं बदलेगा,
हालांकि कुछ इम्प्लॉयज हार्डवर्क वाले भी होते हैं, लेकिन जब तक पूरी टीम मिलकर एक साथ काम नहीं करेगी, जिस तरीके से जियो और एयरटेल की टीम काम करती है, जगह जगह आपने सेंटर्स देखे होंगे इनके, उस तरीके का बीएसएनएल में माहौल नहीं होगा, तब तक बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ेगा। 4G का जमाना है, 4G निकल गया, 5G कुछ जगह पर लागू हो गया, 6G की तैयारी चल रही है, बीएसएनएल का अभी तक 4G भी पूरे देश में नहीं आया है। तो अभी बीएसएनएल को बहुत हार्ड वर्क करना है, और सरकार अगर प्रयास हो सके तो टाटा जैसी किसी कंपनी को अपने साथ मिलकर काम करेगी, तो हो सकता है कि जल्दी बीएसएनएल उठ जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है जियो को टक्कर देना, क्योंकि इसको मोनोपोली जो है वो धीरे धीरे देश में बढ़ेगी, क्योंकि इसको बढ़ावा हम लोगों ने ही दिया है, कोई और नहीं आया था देने के लिए, हम ही लोगों ने इसे भारतीय कंपनी के नाम पर डिजिटल क्रांति के सपने देख देख कर हम ही लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, और आज हम ही भुगत रहे हैं और आगे भी हम लोगों को ही भुगतना है। अगर समय रहते हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो उस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसको नहीं होना चाहिए। लोगों को समझ आ रहा होगा हर चीज प्राइवेट हो जाए तो कम से कम ऐसा ना हो कि मोनोपोलिस जो है मार्केट में होती चली जाए उस फील्ड में। ये मोनोपोली का ही नतीजा है कि एक दो कंपनी रह गई हैं धीरे धीरे, तो अब जियो जो चाहेगा वो करेगा, ये समस्या अब बनी रहेगी। और ऐसी समस्या ना हो उसके लिए हमें बीएसएनएल को वापस खड़ा करना पड़ेगा, उसके मैनेजमेंट में जो भी सुधार पॉसिबल है वो करने पड़ेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आए। आप लोगों की क्या राय है कि ये सब सही हुआ या नहीं हुआ, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।